और एक बड़ी खबर जो मिल रही है वो आपको बता दें, स्कॉटलैंड में भारतीय उच्चायुक्त को गुरुद्वारे में जाने से रोका गया है। खबर ये है कि खालिस्तानी आतंकियों ने विक्रम दोरेस्वामी को गुरुद्वारे में जाने से रोका है। ये बहुत बड़ी खबर मिल रही है। जो तस्वीरें सामने आई है वो भी इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देखिए। दरअसल इस जो ये कार इस वक्त आपको दिखाई दे रही है, ये स्कॉटलैंड में भारतीय उच्चायुक्त इसमें मौजूद थे, लेकिन उनको कार से ही यहां पर नहीं उतरने दिया गया। एक बार फिर से ब्रिटेन में कट्टरपंथी खालिस्तानी समर्थकों ने उत्पात मचाया है और भारतीय उच्चायुक्त को गुरुद्वारे में जाने से रोक दिया गया है। इस तस्वीर को देखकर यह भी समझा जा सकता है कि जरूर यहां पर जो चूंकि कार में मौजूद है वो बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको यहां पर रोका गया, कार तक से भी नहीं उतरने दिया गया। नीरज, जरा जानकारी के साथ मेरे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए। नीरज, एक बार फिर से ब्रिटेन में ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है, ये तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, आपके पास और क्या जानकारी है इस खबर को लेकर? देखिए, पहले से कमेटी में जिस गुरुद्वारे में जा रहे थे उस कमेटी में एक बैठक थी, लंगर का आयोजन किया गया था और लंगर के आयोजन से पहले ही जैसे वो पहुंचते हैं कुछ कट्टरपंथी सिख समुदाय के लोगों को पता चलता है जो कि खालिस्तान समर्थक रहे होंगे और उन्होंने ये इंश्योर किया कि उन्हें गाड़ी से उतरने न दिया जाए और वहाँ गाड़ी पहुंच गया। आपने देखा होगा गाड़ी तक पहुंच गए कुछ कट्टरपंथी युवक, उसके बाद उन्होंने उसका वीडियो बनाया, अपनी तरफ से जानकारी भी दी, अपने जो सोशल मीडिया पोस्ट है उस पर वीडियो को पोस्ट किया, यानी ये इंश्योर करना चाहते थे कि भारत सरकार के किसी नुमाइंदे का वो विरोध करेंगे। और गुरुद्वारे में जो उनका कार्यक्रम था उस कार्यक्रम को होने नहीं दिया। यूके में पहले भी इस तरह की घटनाएं घटी हैं, भारतीय उच्चायोग के सामने भी किस तरह से प्रदर्शन हुए वो आपको याद है। तो यहाँ बहुत बड़ी घटना है कि यूके सरकार को अब ये इंश्योर करना होगा। भारत बार बार इस तरह की गतिविधियों की जानकारी देते रहता है यूके, क्योंकि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाए, तो इस तरह के कट्टरपंथी लोग जो भी इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं उन पर यूके सरकार को कार्रवाई करनी होगी। लेकिन ये घटना शुक्रवार की है जब वो गुरुद्वारे में पहुंचे थे और गुरुद्वारे में किस तरह की घटना को अंजाम दिया गया वो हमारे सामने तस्वीर पर इस वक्त लोग देख रहे हैं। तो भावनाओं को भी आहत करने वाली बात है ना, अब नहीं लगता कि ये तो कम से कम वक्त आ चुका है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार ऐसी खबरें सामने आती रही हैं, लेकिन ये तो साक्षात तस्वीर है जो इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, अब तो कम से कम एक कड़ा रुख अख्तियार करना चाहिए। देखिए, यूके हो, अमेरिका हो, कनाडा हो और ऑस्ट्रेलिया में भी इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी आपने देखा होगा रेफरेंडम हुआ, इसके अलावा यूके यूएस में भी आपने देखा और कनाडा के हालात तो आपको पता ही है किस तरह के संबंध है दोनों देशों के बीच में। वहां के सिख रेडिकल हैं, उन पर जो सरकार की तरफ से कार्रवाई की उम्मीद की जाती है स्थानीय सरकार की तरफ से, वो कार्रवाई अब तक नहीं की गई और उसी का नतीजा है कि जो सिख कट्टरपंथी हैं वो इस तरह की वारदात को, इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। भारतीय उच्चायुक्त जो कि एक अपने फंक्शन में जा रहे थे, लंगर का आयोजन किया गया था, पूरी तैयारियां कर ली गई थी वहां गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से, और कुछ लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम देकर ये बताना चाहते हैं कि वो भारत के जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ, कुछ लोग, छोटा समूह होता है इनका, लेकिन ये अपनी वारदात से अपनी गूंज सुनाना चाहते हैं भारत में खासकर और भारत के अधिकारियों में कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाएगा भारत और की तरफ से। ऐसी घटनाएं रुकनी चाहिए, इस पर कड़ा रुख भी अपनाना चाहिए। नीरज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कोई अपडेट होगा तो एक बार फिर से आपका रुख करेंगे।